अजमेर दक्षिण में कांग्रेस कर रही है माहौल खराब का अनीता भदेल ने पुलिस जाब्ता पहुंचा समझाइश करने। दक्षिण के एक बूथ पर कांग्रेस जनों ने हंगामा शुरू कर दिया है। इसी बीच अनीता भदेल भी वहां पहुंची। अनीता भदेल ने कहा कि भाजपा को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, इसलिए कांग्रेसियों ने माहौल खराब करना शुरू कर दिया है। पुलिस जाब्ता भी समझाइश करने के लिए मौके पर पहुँच चुका है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत जबरदस्त माहौल है और अब बाकी के 1.5 घंटा बचा है वोट डालने में और कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं और वो मतदाताओं को बूथ के अंदर घुस कर के कन्विंस कर रहे हैं और उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि है ना कि वोट डालना है, बीजेपी को वोट डालना है। तो इस वजह से वो जो लोग हैं वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और जो बीजेपी के वोटर्स हैं उन वोटर्स को वोट नहीं डलने दे, इस वजह से वो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, वो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं ये इतना ज़रूर जानती हूँ कि जनता ने जो तय किया है वो उसको ही वोट देना चाहती है और वो निश्चित रूप से वोट देंगे और वो विजयी। क्षेत्र सुबह रोष है और मैम आधा घंटा वेट कर रही है, अंदर घूम कर रही है, आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है। मैं लगातार सब में विजिट करके आया हूँ। कैंडिडेट है, केवल विजिट करने की परमिशन है, उसके अलावा किसी को परमिशन नहीं है। विजिट करके जा रहे हैं, कोई आधा घंटा रुकने की कोई परमिशन है ही नहीं। मैं खुद अब बाहर तो कोई कुछ भी कहता रहे उसकी कोई वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कैसे जिम्मेदारी नहीं आपकी? अरे बाहर कौन क्या बोल रहा है उसकी? अरे भाई साहब कैंडिडेट भी इतनी देर नहीं बैठेगा? कैंडिडेट नहीं बैठा है, आना और जाना नहीं बैठा है, आना और जाना ही हो रहा है। मेरे दिक्कत हो रही है सर, आपका परिचय? आपका परिचय? मेरे खुद को आने। मैं डॉक्टर अमित चतुर्वेदी हूँ, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर 4।